जिला अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने अधिवक्ता कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान रीवा जिले की व्यवस्था और यहां पर पदस्थ कलेक्टर एसडीएम नायब तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर जमकर बखिया उखेड़ी है। श्री पांडे ने कहा कि एक साल से रीवा का कोई माई बाप नहीं है। कलेक्टर मनोज पुष्प को शायद यह नहीं मालूम कि उन्हें नेताओं के पीछे पीछे घूमने के अलावा कोर्ट में भी बैठना होता है। कलेक्टर पर निशाना साधते हुए श्री पांडे ने कहा कि कलेक्टर मनोज पुष्प ने रीवा की एक नई प्रथा शुरू की है। यह वह प्रथा है, यतीश शुक्ला को छह पटवारी हलके का नायब तहसीलदार बनाकर। यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि कलेक्टर के बच्चों की फीस यतीश शुक्ला जमा करते हैं। श्री पांडे ने कहा कि बनकुइयां और गुड़ सर्किल के पहले से ही नायब तहसीलदार हैं, लेकिन जबरदस्ती यतीश शुक्ला को पदस्थ कर एक नई उत्पत्ति की गई है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसडीएम पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसडीएम कार्यालय के वजन के हिसाब से फैले होते हैं। ऐसा लगता है कि एसडीएम किताब पढ़ना नहीं चाहते। नियम कुछ कहता है और एसडीएम के फैसले कुछ और होते हैं। राजेंद्र पांडे ने कहा कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चौपट है, जिसके चलते आम जनमानस से लेकर अधिवक्ता तक परेशान है। अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, जिन्होंने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था की बखिया उखेड़ दी है। बताऊंगा तो आप चकित रह जाओगे कि रीवा में हो क्या रहा है और तहसीलदार के यहाँ के हाल क्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नियम बनाया है, अविवादित नामांतरण, सीमांकन, खसरों से मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली के चार लोगों का नाम है तो हिस्सा अलग करना, पृथक करना, कोई मान लीजिए विवाद नहीं है। शासन के नियम है कि 3 महीने में इन प्रकरणों का निपटारा हो जाना चाहिए। अब 3 महीने के अंदर निपटारा, आप सारे कागजात दे दो, अगर तहसीलदारों को रिश्वत नहीं मिली तो वो फैसला 3 महीने क्या 6 महीने में भी नहीं करेंगे। और कानून के दायरे में न फंसे तो वो क्या करते हैं कि 3 महीने बीतने में एक दिन पहले 89 दिन में वो जितने 89 दिन जिन प्रकरण के हो गए उन सब में 3 लाइन की एक ऑर्डर शीट लिखेंगे। संपूर्ण कागजात के अभाव में प्रकरण को निरस्त किया जाता है, जिससे अगर कोई शिकायत करे तो उस शिकायत पर समय को लेकर कोई कार्रवाई ना हो। ये हाल तहसीलों में है। अब इनको सुपरवाइज करने का कोई तरीका नहीं है, न कोई देखने वाला है। रीवा जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, राजस्व मंत्री है नहीं है पता नहीं है, राजस्व का सचिव कहाँ है, प्रधान सचिव कहाँ है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। कलेक्ट्रेट का ये हाल है। अब मैं आपको उदाहरण बता दूं, 28/4 को आर्गुमेंट हुआ, 28/5 पर आर्डर किया और डेट डाली 28/4 की, टाइम लिमिट ख़त्म। अब उसकी कोई अपील भी नहीं होगी, रिवीजन भी नहीं होगी। रिश्वत ना दो तो ऐसा निपटाते हैं कि ऊपर से नीचे तक कोई रास्ता छोड़ो ही नहीं। अब लगातार इसमें अधिवक्ता भी परेशान है, क्योंकि अधिवक्ता के सामने क्लाइंट है, क्लाइंट आता है बार बार, साहब आपने अपील कर रखी है इसमें कुछ होता नहीं और दूसरी पार्टी हमको बेदखल की दे रही है। इतने सारे अधिवक्ताओं ने, हमारी कोर्ट के लगभग 1000 अधिवक्ताओं ने सिग्नेचर करके दिया है, मैं लिख के कई बार भेज चुका हूँ, ना कलेक्टर के कान में जूं रेंगती ना किसी के कान में जूं रेंगती। अब कल हम इस संबंध में ज्ञापन कमिश्नर को 3 बजे सौंपेंगे और इसकी सबकी कार्रवाई की सूचना बल्लभ भवन में जो बैठे हैं, जो चुनाव की तैयारी में व्यस्त है, उनको बताएंगे कि आपकी तैयारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट अच्छी तरह से यहाँ कर रहा है, इसके लिए हमने आपको बुलाया। अगर फिर भी कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती तो उसके बाद क्या करेंगे? जो हमेशा करते हैं वही करेंगे, सामने खाली है मैदान सड़क, फिर चालू हो जाएंगे। काम तो कुछ है नहीं, इनको सुनना है नहीं, तो हम तो वैसे ही खाली हैं, तो झंडा डंडा ला के बैठ जाएंगे और क्या। कितने एक भी निपटे ही नहीं,
कितने होंगे लगे कितने? आप ये समझ लो कि 5,000 के ऊपर होंगे केवल रीवा में, सारी कोर्टों का आप जोड़ लो। और जो भी फैसले हो रहे हैं तो आप ये मान लो कि निश्चित इसमें कुछ ना कुछ हुआ है, विशेष इंटरेस्ट है तभी फैसला हुआ है। जनरली हमारे यहाँ एडिशनल कमिश्नर है, प्रॉम्प्ट है, बैठते हैं, सुनते भी हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी इस्टे नहीं देंगे। हाँ, आपके साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, आपके साथ नहीं होना चाहिए। देखिए साहब, हम इस्टे तो नहीं देंगे। इस्टे न देने की बीमारी कहाँ से लग गई ये समझ में नहीं आता। तो हमने कहा धारा 52 हटवा दीजिए बिल आरसी से। इस्टे देने की धारा इसमें है, सरकार को कहिए कि अबालिश कर दे इसको। आज तक किसी प्रकरण में उसने इस्टे नहीं दिया। अब मान लीजिए अर्जेंसी है किसी को, किसी ने ले दे के उसके खिलाफ गलत फैसला कर दिया, एसडीएम के खिलाफ वो कमिश्नर के यहाँ गया, जिस अपील को लेके वो गया वो इस्टे न देने का नहीं इन्फ्रेक्चुअस हो जाएगी, पर एडिशनल कमिश्नर ने कसम खा रखी है कि इस्टे नहीं देंगे। बैठते हैं, सुनते भी हैं, कमिश्नर भी सुनते हैं, जो उनका डेट फिक्स है, दिन तय है, उसमें बैठते हैं। पर हमारे एडिशनल कमिश्नर को पता नहीं कौन सी एलर्जी है कि स्थगन नहीं देंगे। ये हाल है रेवेन्यू का। और यहाँ लगता है कि बिना बाप का माने रीवा है, सरकार में कोई है नहीं, जंगल राज है, जो जिसका जो मन पड़ रहा है वो सब कर रहे हैं। अब हम लोगों के सामने मजबूरी है कि हम लोग अब इसकी बात को उठाएं, और अगर न सुने तो सड़क पर उतरे। अब कल से शुरू कर रहे हैं, दुर्भाग्य से वो रीवा के पढ़े लिखे यही हमार रहे हैं और यही पोस्टेड भी है, तो शायद ही कोई वकील बचा हो जिससे वो बदतमीजी से पेश ना आए। वो आदमी कितने बातें नहीं करते, और कई बार उनके खिलाफ शिकायतें भी हो चुकी है, लेकिन अब क्या कहें मध्य प्रदेश की सरकार को कि घूम फिर के वो रीवा ही भेज देते हैं उनको। और किसी दिन बहुत गंभीर अप्रिय घटना हो जाएगी। अब इस संबंध में भी हम लोग कल कमिश्नर को बताएंगे कि इसमें जो करना हो आप जल्दी करो, नहीं तो हम लोग अगर करेंगे तो फिर मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। राजस्व न्यायालयों की हालत बड़ी खस्ता है, सब अधिकारी गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाह हैं, शासन के नियमों से उनको कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी और अधिवक्ता सब परेशान, और ये सिस्टम पिछले लगातार साल भर से चल रहा है। लगभग 7-8 एक्टों के प्रकरण की अपीलें कलेक्टर रीवा के यहाँ होती हैं, उसमें MPLRC भी है, माइनिंग भी है, आर्म्स एक्ट भी है, सोसाइटी भी है, फॉरेस्ट एक्ट भी है। कलेक्टर जब से इलैया राजा गए तो मनोज पुष्प को पता ही नहीं है कि उनको कोर्ट में भी बैठना होता है, वो कभी कोर्ट में बैठते ही नहीं। वहाँ जाके आप पता लगाएंगे तो पता चलेगा कि महीने में एक आध दिन जब वकीलों ने ज़्यादा दबाव बनाया होगा तब वो न्यायालय की सीट पर बैठे होंगे। कलेक्टर के बाद अतिरिक्त कलेक्टर जो यहाँ वर्तमान में पदस्थ हैं शैलेंद्र सिंह, वो कलेक्टर से भी 4 कदम आगे हैं। उनके यहाँ 2 रीडर थे, उनमें से एक ट्रैप हो गया और एक का ट्रांसफ़र आयुक्त रीवा संभाग के कार्यालय को हो गया। अब ADM के न्यायालय में तालाबंद, ADM जब पेशकार रहते थे तब भी नहीं रहते थे, पर आजकल तो खैर चांदी ने पेशकार ही नहीं है। अब जो भी अपीलें इन एक्टों से संबंधित कलेक्टर और ADM के यहाँ जानी चाहिए, पिछले साल भर से उनकी प्राथमिक सुनवाई नहीं हो पा रही है। आम आदमी इस संबंध में व्यापक रूप से परेशान है, अधिवक्ता परेशान है, अपीलें कर रखी हैं, मोशन हियरिंग हुई नहीं है,
स्टे का कोई सवाल नहीं उठ रहा। ऐसे एसडीएम कार्यालय का हाल है। एसडीएम हमारे रीवा के जो हैं, या तो वो किताब को देखना नहीं चाहते, या किताब उनके समझ में आती नहीं है, या पैसे के आगे किताब को वो के अनुसार चलना नहीं चाहते। कानून कुछ कहता है, उनके फैसले कुछ और कहते हैं। उनके फैसले वजन के हिसाब से होते हैं, किस प्रकरण में कितना वजन है उस हिसाब से फैसले होते हैं। कानून क्या कहता है, भाड़ में जाए। एसडीएम हुजूर को उससे कोई लेना देना नहीं है।